हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल की ये हमारी फोर्थ वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेल साइकिल का बेसिक्स पढ़ा, माइटोसिस मियोसिस पढ़ा एंड देन सेल साइकिल का रेगुलेशन दो तरीके से होता है, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स से एंड चेक पॉइंट से। साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, कैसे कैसे साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स की वजह से एक फेज से दूसरा फेज आया। अब आता है हमारा चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स का क्या रोल होता है सेल साइकिल रेगुलेशन में? चेक पॉइंट्स का रोल होता है चेक लगा देना। चेक मतलब वहां पे स्टॉपेज लगा देना और चेक करना कि हमारा जो सेल है, जिस फेस से आया है, उस फेस में जो जो इवेंट होने थे वो कंप्लीट हुए या नहीं। जैसे कि हमारा सेल जीवन से एस में आया, ओके, तो वहां पे सेल ने चेक पॉइंट लगाया और पहले चेक किया कि जीवन में जो जो एंजाइम्स, जो जो प्रोटीन्स फॉर्म होनी थी एस में रेप्लिकेशन करने के लिए, क्या वो सब फॉर्म हो गई हैं? हो गई हैं जब भी हमारा सेल एस में आएगा। फिर एस में चेक करेगा, जब एस से सेल जा रही होगी तो चेक करेगा क्या रेप्लिकेशन अप्रोप्रिएट हुआ है, क्या रेप्लिकेशन में कोई एरर तो नहीं आया, क्या कोई रिपेयर की जरूरत तो नहीं है, उन सबको चेक करेगा जब भी सेल G2 में जाएगी। G2 से जब माइटोसिस में जाएगी तो अगेन सेल चेक करेगा अपने चेक पॉइंट्स के थ्रू। तो ये चेक पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू सेल हर एक पॉइंट पे स्टॉपेज लगाता है, चेक करता है कि जो पहले वाले इवेंट है वो कंप्लीट हो गए या नहीं हो गए हैं। इसी वजह से सेल साइकिल की एक प्रॉपर्टी होती है डिपेंडेंट फेस ऑफ इवेंट। इट मीन्स एक फेस दूसरे वाले फेस पे कंप्लीटली डिपेंड है उसकी एक्टिविटी पे, कि उसमें उसने वो अपना फंक्शन जो था वो परफॉर्म किया है कंप्लीटली या नहीं किया। सो हमारे थ्री टाइप के चेक पॉइंट्स होते हैं, सेल साइकिल चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। सेल साइकिल चेक पॉइंट वही होता है जो अभी बताया कि हर एक फेस से पहले चेक लगेगा और हमारा चेक होगा कि हमारा पहले वाला इवेंट कंप्लीटली परफॉर्म हुआ है या नहीं। उसको बोलते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट। इसको आप स्टॉप पॉइंट भी बोल सकते हैं और स्टार्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। स्टॉप पॉइंट पहले वाले इवेंट के लिए और स्टार्ट पॉइंट दूसरा जो अब इवेंट होने वाला है उसके लिए। सो ये होता है सेल साइकिल चेक पॉइंट, हर एक फेस पे चेक पॉइंट लगना। एक होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ओनली मेटाफेस फेस में लगता है कि मेटाफेस में हर एक क्रोमोसोम स्पिंडल के थ्रू अटैच हो गया है, फिर ही वो एनाफेस में सेपरेट हुए। एनाफेस में स्पिंडल अपने आप को रिड्यूस करने लगते हैं, अपना जो साइज होता है, अपना जो लेंथ होती है उसको रिड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। बट इफ हमारा मेटाफेस फेस में वो स्पिंडल सही से अटैच नहीं होंगी, सारे क्रोमोसोम्स पे टेंशन नहीं आएगा उन स्पिंडल का, तो हमारे एनाफेज स्टेज में सही से वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेटाफेज स्टेज में जरूरी है चेक करना कि स्पिंडल की जो असेंबली हुई है वो सही से हुई है या नहीं हुई है। थर्ड आता है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। कोई डैमेज तो नहीं है डीएनए में, वो सब चेक करते हैं डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। तो फर्स्ट जो सेल साइकिल चेक पॉइंट है वो हर एक जगह पे होता है पहले वाले इवेंट को चेक करने के लिए। सेकेंड है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट में क्या होता है? होता क्या है, हमारा स्पिंडल फाइबर्स हमारे अटैच होते हैं किनेटोकोर से। एक साइड के स्पिंडल फाइबर अपनी साइड वाले किनेटोकोर से अटैच होते हैं, दूसरी साइड के स्पिंडल फाइबर अपनी साइड वाले किनेटोकोर से अटैच होते हैं। इसको बोलते हैं एम्फोटेलिक और ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है एंड इसको बोलते हैं एम्फोटेलिक सिचुएशन, एम्फोटेलिक स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट। देन हमारा सेकेंड आता है मोनोटेलिक। मोनोटेलिक में हमारे स्पिंडल फाइबर्स ओनली एक साइड के स्पिंडल फाइबर्स एक साइड के किनेटोकोर से अटैच होते हैं और ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है। थर्ड आता है सिंटेलिक। सिंटेलिक में हमारे एक साइड के स्पिंडल फाइबर और दूसरी साइड के स्पिंडल फाइबर एक ही जगह सेम साइड से अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं सिंटेलिक, ये भी हमारी एबनॉर्मल कंडीशन होती है। फोर्थ आता है मीरोटेलिक। मीरोटेलिक में हमारे अलग अलग साइड के स्पिंडल फाइबर्स एक ही साइड के किनेटोकोर से अटैच होते हैं, दैट इज मीरोटेलिक एंड सेम ये भी हमारी एबनॉर्मल कंडीशन होती है हमारी। सो हमारी ये जो तीनों है ये एबनॉर्मल है लास्ट की, मीरोटेलिक, मोनोटेलिक, सिंटेलिक, मीरोटेलिक। बट जो एम्फोटेलिक है वो हमारी एक नॉर्मल कंडीशन है। इफ हमारी एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो चेक पॉइंट के थ्रू मेटाफेस फेस में ही चेक पॉइंट लग जाता है और हमारा इवेंट यही रुक जाता है। होता क्या है, जैसे ही
नीटोकोर से टेंशन लैकिंग वाले सिग्नल मिलते हैं कि नीटोकोर से सही से टेंशन नहीं आ रही है, सही से फोर्स नहीं आ रहा है, वो सिग्नल मिलते हैं तो चेक फर्स्ट होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। चेक फर्स्ट हमारा एक एपिकल काइनेज है, चेक फर्स्ट एक्टिवेट हो जाता है। चेक फर्स्ट क्या करता है, चेक फर्स्ट एक्टिवेट करता है ऑरोरा बी को। चेक फर्स्ट ने हमारा एक्टिवेट कर दिया ऑरोरा बी को। ऑरोरा बी ने बी भी हमारा एक काइनेस है, ऑरोरा बी भी हमारा एक काइनेस है, इसने हमारा एक्टिवेट किया बी यू बी फर्स्ट को, आर यू बी फर्स्ट को और मेट सेकंड को, इन तीनों को एक्टिवेट कर दिया। इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने नेगेटिव सिग्नल दिया और इनिबिट कर दिया एपीसी सी को। एपीसी सी हमने साइक्लिन सीड के कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि एनाफेज को प्रमोट कर रहा है। जब उसने एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर दिया तो हमारा एनाफेज नहीं आ पाएगा, सेल वही मेटाफेज में रुक जाएगा और अपने इस स्पिंडल फाइबर के अरेंजमेंट को ठीक करेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सेल का चेक पॉइंट लग जाता है और यहाँ पे हमारा सेल वही रुक जाता है मेटाफेज स्टेट में ही, बिकॉज स्पिंडल फाइबर सही से अटैच नहीं हुए हैं। अब क्या होता है, इससे हो क्या रहा था, जो ये एपीसीसी है ये ऐसा क्या कर रहा था। एपीसीसी जब हमारा सीडीसी 20 से अटैच हो रहा था तो ये हमारा एक प्रोटीन होती है सिक्यूरिन सेफरेज। सेफरेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके तो सिक्यूरिन सेफरेज को इनहिबिट करके रखती है, बट जैसे ही एपीसीसी आता है वो सिक्यूरिन को यूबीक्यूटिनाइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से सिक्यूरिन डिग्रेड हो जाती है। और सेफरेज क्या करती है, सेफरेज हमारा रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारी सेल मेटाफेज से एनाफेज में आ जाए। सेफरेज क्या करती है, जो हमारे दो क्रोमेटिड के बिटवीन कोहेसेंट प्रोटीन होती है, जिस कोहेसेंट प्रोटीन से दो क्रोमेटिड अटैच हैं, उस कोहेसेंट प्रोटीन को ही डिग्रेड कर देती है। जब हमारी कोहेसेंट प्रोटीन डिग्रेड हो गई, इट मीन्स बीस अब क्या होगा, दोनों क्रोमेटिड हमारी अलग अलग हो जाएंगी। सो हमारा इसका काम होता है मेटाफेज फेज से को एनाफेज में कन्वर्ट करना, ओके अब हमारा क्या होता है, ये एपीसीसी हमारा सिर्फ यही काम नहीं करती, एपीसीसी हमारा सेल को सेल साइकिल इवेंट से निकालने का भी काम करती है। बिकॉज अब हमारा एंडिंग आ गई है एनाफेज के बाद टेलोफेज, और अब हमारा सेल को सेल साइकिल इवेंट से निकलना है, दो सेल्स का फॉर्मेशन करना है। तो एपीसीसी क्या करती है, एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन कर देती है। एम साइक्लिन आप सब जानते होंगे कि साइक्लिन सिर्फ हमारा कोई भी इवेंट लाने के लिए जरूरी नहीं है, इवेंट को कंप्लीट करने के लिए भी जरूरी है, इवेंट को खत्म करने के लिए भी जरूरी है। तो हमारा सेम इसके साथ हुआ, साइक्लिन जो है वो जरूरी है हमारा इवेंट लाने के लिए भी, इवेंट खत्म करने के लिए भी एंड इवेंट लाने के लिए भी। तो एम साइक्लिन की वजह से माइटोसिस हो रहा था, एम साइक्लिन की वजह से एम्फेज आ रहा था, वो एम्फेज अब एंड होना है। तो एपीसीसी सीडीएच के साथ मिलकर हमारा यूबीक्यूटिनाइजेशन कर देती है एम साइक्लिन का, एम साइक्लिन डिग्रेड हो जाता है और सेल हमारी अब सेल साइकिल से निकल जाती है, मतलब हमारी सेल कंप्लीटली दो साल में डिवाइड हो जाती है, एम्फेज उसका खत्म हो जाता है और अगेन वो क्या स्टार्ट कर देगी, इंटरफेज स्टार्ट कर देगी। अगेन वो जो दो सेल्स हैं वो अगेन आगे साइकिल में जाना स्टार्ट कर देंगे, इफ यहाँ पे एम्फेज खत्म नहीं होगा तो वो आगे इंटरफेस में नहीं जा पाएंगे। तो हमारा ये काम होता है एपीसीसी का, एपीसीसी जो है वो हमारा मेटाफेज से एनाफेज के लिए और एनाफेज से हमारा फिर से एम फेज को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इफ हमारा कोई भी स्पिंडल अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ जाए तो वहीं पे एपीसीसी को रोक दिया जाता है और वो हमारा सेफरेज को नहीं लाती, जिसकी वजह से हमारे मेटाफेज टू एनाफेज नहीं आ पाती। तो ये थी हमारा स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। थर्ड आता है हमारा डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट क्या करता है, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट ये चेक करता है कि डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं, जो हमारा डीएनए है उसमें कोई डैमेज तो नहीं आ रहा है। मतलब जब भी हमारा डीएनए एस फेस में आया तो एस फेस में सही से रेप्लिकेट हुआ नहीं हुआ, वहां पे कोई डैमेज तो नहीं हुआ। जीवन में जब जीवन से एस फेस में जा रहा था तो जीवन में ऑलरेडी उसमें डैमेज, डीएनए तो रेप्लिकेट होने के लिए नहीं जा रहा था, और जब रेप्लिकेट होके आया तो वो डैमेज तो नहीं था। इन सबको चेक करने की जिम्मेदारी होती है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट की। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट थ्री प्लेसेस पे होते हैं, जीवन एस चेक पॉइंट, इंट्रा एस फेस चेक पॉइंट, जी टू एम चेक पॉइंट। जीवन एस चेक पॉइंट क्या करता है, जब जीवन से एस फेस में जाती है सेल तो जीवन एस चेक पॉइंट चेक करता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंट्रा एस चेक पॉइंट क्या करता है, ये ध्यान रखता है कहीं डीएनए दो बार रेप्लीकेट तो नहीं हो रहा, सिर्फ एक बार रेप्लीकेट हो रहा है या दो बार तो रेप्लीकेट नहीं हो रहा। और जी टू एम चेक पॉइंट ये ध्यान रखता है कि जब वो हमारा जी टू में आ गया रेप्लीकेट होके और अब एम में जाना है तो हम उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। सो इन दोनों में वो डैमेज को चेक करता है, इसमें हमारे वो चेक करता है कि उसका एक राउंड ऑफ रेप्लीकेशन हुआ है ना, बस दो राउंड ऑफ रेप्लीकेशन तो नहीं हुए। अब
इन दोनों में कैसे हमारा डैमेज को चेक करता है वो देखते हैं। हमारा डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड डैमेज आ सकता है या डबल स्ट्रैंड डैमेज आ सकता है। सिंगल स्ट्रैंड डैमेज आया है तो यहाँ पे हमारे एपिकल काइनेज होते हैं जो कि उस सिंगल स्ट्रैंड डैमेज को सेंस कर लेते हैं। ATRIP ये हमारे उस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज को सेंस कर लेते हैं। ATRIP एपिकल काइनेज है जो कि आगे हमारे काइनेज होते हैं ATR उनको एक्टिवेट करते हैं। इफ हमारा डबल स्ट्रैंड डैमेज आया है तो हमारे MRN होते हैं वो उनको सेंस करते हैं एपिकल काइनेज और आगे वाले काइनेसेस को उसको ट्रांसफर कर देते हैं ATM को। इन्होंने इसको फॉस्फाइलेट कर दिया, इन्होंने इसको फॉस्फाइलेट कर दिया, जिन्होंने कि एक्टिव किया चेक फर्स्ट को चेक सेकंड को। सिंगल है डैमेज तो चेक फर्स्ट एक्टिवेट होगा और डबल स्ट्रैंड में डैमेज है तो चेक सेकंड एक्टिवेट होगा। चेक फर्स्ट क्या करता है, CDC25 को एक्टिवेट करता है और अरेस्ट कर देता है सेल को वही के वही। और चेक टू क्या करता है, P53 को एक्टिवेट करता है जो कि हमारी सबसे पहले तो हमारी इस डीएनए को अरेस्ट करती है और आगे वाले फेसेस में नहीं जाने देती, बिकॉज ये डीएनए कैसा है, ये डीएनए हमारा डैमेज डीएनए है, ये आगे जाएगा तो कैंसर शो करेगा, तो ये आगे किसी भी इवेंट में नहीं जा पाता। पहले तो उस पर चेक पॉइंट लगाती है, सेकंड उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। चेक पॉइंट लगाने के बाद कोशिश करती है कि डीएनए रिपेयर हो जाए। डीएनए रिपेयर भी हम कवर करेंगे हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बिकॉज डीएनए रिपेयर से क्वेश्चन एवरी टाइम आते हैं CSIR में। सो वो चेक करती है कि डीएनए रिपेयर हो जाए। इफ डीएनए रिपेयर हो जाता है तो वेल एंड गुड, आगे हमारा फिर और सेल साइकिल के इवेंट परफॉर्म हो जाते हैं। बट डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता, बहुत सीवियर डैमेज है, तो फिर वो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर को लाती है और एपोप्टोसिस कराती है। ऐसे टाइम में एपोप्टोसिस कैसे होती है इसकी मैंने ऑलरेडी एपोप्टोसिस में वीडियोज बनाई हुई है, एंड एपोप्टोसिस NetGRF में आता है, तो आप एपोप्टोसिस के पार्ट को वहां से कवर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फुल एपोप्टोसिस का। सो इफ हमारा डीएनए में कोई सीवियर डैमेज है तो उस डैमेज को ठीक नहीं करा जा सकता, तो अब वो डैमेज ठीक नहीं होगा, अब वो सेल एपोप्टोसिस में चली जाएगी, उन सेल की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा G1S चेक पॉइंट में और G2M चेक पॉइंट में वो हमारे डीएनए डैमेज को सेंस करती है और हमारे उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। इफ रिपेयर नहीं होता तो उस सेल को हमारा एपोप्टोसिस में भेज देती है। एक आता है इंट्रा एस फेस चेक पॉइंट, इसमें हमारा सेल ये चेक करता है कि हमारा जो एस फेस है उसमें एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ है ना, ये तो नहीं हुआ डबल रेप्लिकेशन हो गया जिसकी वजह से अब 4 क्रोमेटिड्स बन गए, ये पॉसिबल नहीं है, 2 ही क्रोमेटिड्स बनती है, एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ही होता है। वो कैसे चेक पॉइंट चेक करते हैं वो देखते हैं। इंट्रा एस फेस चेक पॉइंट, इंट्रा एस फेस चेक पॉइंट में क्या होता है, जब भी हमारा रेप्लिकेशन होता है तो ये हमारा ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सिक्वेंस है, ये सब हमने रेप्लिकेशन में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये हमारा ARS है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सिक्वेंस, इस पे हमारा ORC बाइंड होता है, हमारा ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बाइंड होता है, जिसपे कि हमारा CDC6 बाइंड होता है। CDC6 हमारा हेलिकेस लोडर है, CDC6 इज अ हेलिकेस लोडर। CDC6 की वजह से हमारा MCM हेलिकेस है वो आके बाइंड होता है, MCM हमारा हेलिकेस है वो आके बाइंड होता है, और हमारा हेलिकेस आने के बाद क्या होता है, हमारा इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हेलिकेस आता है, हेलिकेस मेल्टिंग करता है और आगे रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। बट हेलिकेस जो है ये जब भी आता है जब CDC6 प्रेजेंट होगा। इफ CDC6 प्रेजेंट नहीं होगा ORC कॉम्प्लेक्स पे, ORC पे CDC6 प्रेजेंट नहीं होगा तो हेलिकेस कभी आके बाइंड नहीं होगा। अब क्या है, CDC6 नहीं होगा, हेलिकेस बाइंड नहीं होगा। अब क्या हुआ, एक बार CDC6 आया, हेलिकेस आया, वो बाइंड हो गया, ये सारे इवेंट एस फेज में हुए। अब जब भी ये आया तो अब यदि CDC6 यही रहेगा तो सेकेंड हेलिकेस और आ जाएगा, बाइंड हो जाएगा और आगे सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इफ यहीं पे फिर से रहा तो थर्ड हेलिकेस आ जाएगा, थर्ड राउंड ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक एबनॉर्मलिटी है, इसी वजह से हमारा क्या होता है, ये CDC6 जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है। और उसको डिग्रेड करने में कौन हेल्प करता है, SCDK जो होती है, SCDK डिग्रेड करती है। SCDK फर्स्ट फंक्शन क्या करती है, ये जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बना है, हेलिकेज आ गया है, उसको प्री इनिशिएटिव कॉम्प्लेक्स बना देती है और हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देती है। सेकंड काम क्या करती है, रेप्लिकेशन स्टार्ट तो हो गया है बट फिर से रेप्लिकेशन स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए SCDK इसको डिग्रेड कर देती है CDC6 को, जिसकी वजह से हमारा सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो SCDK ने क्या किया, SCDK ने हमारा प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स को प्री इनिशिएटिव कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। फिर हमारा SCDK ने हमारा डिग्रेड किया CDC6 को, जिसकी वजह से हमारा सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ब्लॉक भी हो गया, जिसकी वजह से सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हुआ, डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये होता है इंट्रा एस फेस चेक पॉइंट का फंक्शन। तो ये हमारे चेक पॉइंट कंप्लीट होते हैं। साइक्लिन CDK क्या कर रहे हैं, हर एक फेस को लाने में और उनको जाने में रिस्पॉन्सिबल है। साइक्लिन CDK क्या कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये मतलब है कि इस टाइम पे ये साइक्लिन आया, CDK आया, जिसकी वजह से एक फेस आया, फिर सेकंड फेस आया।
इन फेसेस का जो अंदर इवेंट हो रहे हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है चेक पॉइंट, वो सब चेक पॉइंट चेक करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा सेल साइकिल का पूरा पाथवे है वो कंप्लीटली रेगुलेटेड रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए तो वो कैंसरस हो जाता है। ये हमारा कंप्लीट होता है सेल साइकिल का रेगुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल साइकिल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।